रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करंट अफेयर के PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको अगले जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उन सभी के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं। और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस तिथि को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आपका सुशासन दिवस है ये 25 दिसंबर को, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, तो उनके जन्मदिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए दूसरा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और तीसरा था कि हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस खिलाड़ी को अपने इस दशक यानी कि 2010 से 2019 की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है। तो देखिए ये भारतीय क्रिकेटर आपके हैं विराट कोहली जी। और चौथा था कि हाल ही में झारखंड में कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव कराए गए। तो देखिए झारखंड में अभी हाल ही में कुल जो है 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव कराए गए थे। और पाँचवा था कि मिस उत्तराखंड 2019 कौन बना। तो देखिए 2019 की मिस उत्तराखंड बनी है अनन्या बिष्ट। और आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है बोरिया मजूमदार एवं नलिन मेहता दोनों ने मिलकर, ठीक है। और इस पुस्तक की खास बात क्या है, देखिए अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन इसको किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। और आपको बता दूं इस पुस्तक को जो है 2020 में ऑफिशियली पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा प्रकाशित करके, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपकी ये पुस्तक है ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, तो इस पुस्तक में ओलंपिक में सभी जीत हार स्टार स्पोर्ट्समैन और उनकी कहानियों समेत कुल 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं को जो है शामिल किया गया है। तो ये इस पुस्तक के बारे में डिटेल इसको याद रखना है, लेकिन सबसे पहले इसके प्रकाशक और राइटर का नाम रखना है। जो आपकी पुस्तक है ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, तो इसको लिखा किसने है, बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता दोनों ने मिलकर। और इसका प्रकाशन किसने किया है, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। और देखिए जो आपका दिसंबर 2019 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है ये अपलोड हो चुका है और इसकी PDF आप जो है इस वीडियो को देख के डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और आज करंट अफेयर का दूसरा प्रश्न है कि किस स्थान पर भारतीय रेलवे ने हाल ही में हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। तो देखिए जो आपकी हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसको अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने शुरू किया है कालका शिमला मार्ग पर। तो याद रखना है कि जो आपकी भारतीय रेलवे है इसने अभी हाल ही में विश्व धरोहर में शामिल जो आपका कालका शिमला मार्ग है, ठीक है, तो इसके बीच में शीशे की छत वाला एक ट्रेन जिसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस, इसको स्टार्ट किया है। और देखिए इस ट्रेन में जो है खास बातें क्या है, देखिए इस ट्रेन में 7 विस्टा डोम को जो है यानी कि शीशे की छत वाले डिब्बे जोड़े गए हैं और शीशे की छत के कारण जो है इस ट्रेन से बाहर का खूबसूरत नज़ारा जो है देखा जा सकता है। तो हिम दर्शन ट्रेन के बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपका कालका शिमला मार्ग है जो कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, तो इस मार्ग पर अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन को जो है शुरू किया है और ये ट्रेन कुछ इस प्रकार से दिखती है। और देखिए तीसरा प्रश्न आपका है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष भारत में डिजिटल रेडियो की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो देखिए केंद्र सरकार जो है 2024 में डिजिटल रेडियो की शुरुआत करेगी और अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो याद रखना है कि वर्ष 2014 में जो है भारत सरकार जो है ये डिजिटल रेडियो की शुरुआत करेगी, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किसे इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया है। तो देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है इसने पाकिस्तान की एक जो है शिक्षा कार्यकर्ता है जिनका नाम है मलाला यूसुफजई, ठीक है, तो मलाला यूसुफजई को इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया। और इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है इसके द्वारा हाल ही में डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता
और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को जो है मौजूदा दशक की विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया। और मलाला यूसुफजई के बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये पाकिस्तान की एक महिला शिक्षा कार्यकर्ता हैं, दूसरा इनको 2014 में जो है नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये उस समय जो है इस सम्मान को पाने वाली सबसे कम उम्र की जो है महिला थी। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखना है। और पांचवा प्रश्न है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी। तो देखिए, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है इसको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। और देखिए, ये विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में जो है खोला गया है। ठीक है, और देखिए एक खास बात और है, जो आपकी ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है इसको खोला गया है अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा। और इस विश्वविद्यालय में जो है जो आपके ट्रांसजेंडर होंगे ये कक्षा एक से यानी कि क्लास वन से लगाए स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो है पढ़ाई कर सकेंगे, साथ में यहाँ पे जो है ये पीएचडी की उपाधि भी हासिल कर सकेंगे, यानी कि कंप्लीट पढ़ाई ट्रांसजेंडर की कहाँ जाएगी भारत की इस पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी में, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में जो है खोला जा रहा है। ठीक है, और इसमें एडमिशन भी 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, ये खास बात है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, लेकिन सबसे पहले प्लेस रखेगा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो है स्थापित की जा रही है। और छठा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया। तो देखिए, कल 27 दिसंबर था और कल जो है जो भारतीय वायुसेना का MiG-27 विमान था, ठीक है, ये जो है कल सेवानिवृत्त हो गया। और इसके बारे में खास बातें क्या हैं, और देखिए जो आपका ये MiG-27 विमान है इसको हमने कहाँ से खरीदा था, इसको हमने जो है रूस यानी कि रसिया से खरीदा था। ठीक है, ये एक रशियन एयरक्राफ्ट था, उसके कई सारे वर्जन जो है भारतीय वायुसेना में शामिल थे लेकिन सबको जो है अब भारतीय वायुसेना से हटा दिया क्योंकि ये विमान बहुत ही पुराना हो गया था और इससे काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही थी भारतीय वायुसेना में। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। देखिए जो आपका MiG-27 है इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया था और इसको कारगिल का हीरो कहा जाता था क्योंकि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें जो है इस MiG-27 ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है, भारत को विजयी बनाने में। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपका ये MiG-27 विमान है, ठीक है, इसने कुल 38 साल तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी। और देखिए एक खास बात और है जो कि एग्जाम में पूछा सकता है, देखिए जो आपका ये MiG-27 विमान है इसने 27 दिसंबर को जो है राजस्थान का जो आपका जोधपुर एयरबेस है, ठीक है, तो वहाँ से कल जो है अपनी आखिरी उड़ान भरी थी इसने और टोटल 7 लड़ाकू विमान ने जो अपनी आखिरी उड़ान भरी थी राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से। और इससे भी बड़ी खास बात है कि जो आपका जोधपुर एयरबेस है यहीं से MiG-27 का सफ़र हुआ था, यानी कि यहीं से इसने अपनी पहली भी उड़ान भरी थी। ठीक है, तो अपनी पहली और आखिरी उड़ान दोनों एक ही प्लेसेस से भरी थी किसने, MiG-27 ने। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना का जो आपका MiG-27 विमान था ये सेवानिवृत्त हो गया और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और देखिए सातवां प्रश्न है, हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है। तो देखिए जो आपका हनुक्का फेस्टिवल है ये जो है इसराइल में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपका ये हनुक्का फेस्टिवल है ये त्यौहार जो ये बुराई पर अच्छाई की जीत और रोशनी के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है हर साल और ये जो है यहूदियों का एक बड़ा त्यौहार मनाता है और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिमाग में बनाए रखिएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दूसरे ईट राइट मेले का उद्घाटन किया। तो देखिए जो आपका दूसरा ईट राइट मेला है ये आयोजित किया गया है हरियाली में नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी का इन्होंने। और देखिए जो आपका ये ईट राइट मेला था तो ये मेला जो है ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और इस मेले में यानी कि यहाँ पर जो आपके भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया, इन्होंने बीमारियों के लिए एक उचित आहार बताने वाली एक पुस्तिका जिसका नाम है द पर्पल बुक, ठीक है, इसको लॉन्च किया और इस पुस्तिका को जो है www.fssai.gov.in से जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और बीमारियों के लिए उचित आहार को जान सकते हैं कि किस बीमारी में कौन सा उचित आहार देना चाहिए मरीज को। तो ये सारी डिटेल्स याद रखना है ईट राइट मेला के बारे में। ठीक है, और अब थोड़ा सा हम बात करेंगे FSSAI के बारे में यानी कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2011 में और
ये जो है फूड सेफ्टी के फील्ड में काम करता है। और देखिए आपको बता दूँ, इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसकी वर्तमान में चेयर पर्सन है रीता तेवतिया। और जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो देखिए जो आपका गुड गवर्नेंस सूचकांक है, इसमें जो है जो आपका तमिलनाडु है, इसको पहला स्थान मिला है। और एक खास बात और है, तमिलनाडु को जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में ये पहला स्थान मिला है। देखिए इस साल जो आपका ये गुड गवर्नेंस सूचकांक जारी किया गया था, तो इस सूचकांक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन समूहों में बांटा गया था। पहला समूह था आपका बड़े राज्यों का, और बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरा समूह था उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों का, और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो आपका हिमाचल प्रदेश है, इसको पहला स्थान मिला। और तीसरा समूह था केंद्र शासित प्रदेशों का। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के श्रेणी में जो है जो आपका पुदुचेरी है, ठीक है, तो पुदुचेरी को पहला स्थान मिला। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना शुरू की गई। तो देखिए जो आपकी ये ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना है, इसको शुरू किया गया बिहाली में महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और देखिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इन्होंने बिहाली में इस योजना को लॉन्च किया है। और देखिए जो आपकी ये ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना है, इसकी क्या खास बातें हैं। देखिए इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जो है किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई, और इसके तहत जिन किसानों ने 2 लाख रुपए का ऋण लिया है वे जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो आपकी ये कर्ज माफी है, कर्ज माफी का जो लाभ है ये किसको किसको मिलेगा। देखिए कर्ज माफी का लाभ 30 सितंबर 2019 तक बकाया लोन पर जो है मिलेगा, और ये स्कीम जो है मार्च 2020 से लागू होगी। तो ये डिटेल्स याद रखना है, लेकिन एक लाइन में दिमाग बनाए रखिएगा कि महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, इन्होंने बिहाली में महाराष्ट्र राज्य में ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना शुरू की है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है। तो देखिए आपको बता दूं, ये आपकी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी है एयरटेल। एयरटेल ने बिहारी में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है। और देखिए इस वाईफाई कॉलिंग का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। देखिए इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी कैरियर नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि किसी भी मोबाइल नेटवर्क की आपके मोबाइल में जरूरत नहीं होगी। और इसके लिए आपको टॉक टाइम या फिर बैलेंस की भी आवश्यकता नहीं होगी। और आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के, यानी कि आपके मोबाइल में नेट पैक नहीं है, तभी जो है आप इससे वॉइस कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए किसी मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए आपके बगल में जो है हॉटस्पॉट लगा होना चाहिए, आप जो है वाईफाई कनेक्शन वहाँ से ले सकें, ठीक है। तो अगर आपके बगल में वाईफाई कनेक्शन कहीं लगा हुआ है, तो उससे जो है आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके जो है क्या कर सकते हैं, इस वाईफाई कॉलिंग का लाभ ले सकते हैं। और उसको किसने शुरू किया है, अभी हाल ही में एयरटेल ने शुरू किया है। 12वां प्रश्न है कि बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2019 किसने जीता। तो देखिए जो आपका बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2019 था, इसको जीता है अभिनव लोहान ने। और देखिए जो आपका ये बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2019 था, इसको जो है कर्नाटक टूरिज्म के द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये डिटेल याद रखना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि बेंगलुरु ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2019 किसने जीता, अभिनव लोहान ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने, इनका नाम बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में तेलंगाना के किस जिले ने 2019 का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं शिक्षा कोष, यानी कि यूनिसेफ पुरस्कार जीता है, इस जिले का नाम बताइए। और देखिए कल इस न्यूज को मैंने डिटेल में बताया, तो कल का वीडियो देख इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को अटल भूजल योजना की शुरुआत की है, इसका आंसर बताइए। और देखिए जबकि ये अटल भूजल योजना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कल मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती पर लखनऊ के लोकभवन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, इसका आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए है कि किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है, इनका नाम क्या है बताइए।
इसी प्रश्न के साथ आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो को भी दो काम कर दिए, लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की सारी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करेंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।